हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज अजरा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अजराज ब्यूटी पार्लर। सो जिसके कमेंट्स ये आ रहे थे कि कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, हाइलाइटर किस तरह से यूज किया जाता है, वो भी इजी वे में, तो आपके साथ आज ये डिटेल शेयर करूंगी। यानी कि फेस कंट्रोलिंग किस तरह से कर सकते हैं, वो भी घर बैठे इजी वे में, तो आपके साथ शेयर करूंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जो बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कर लें। जितनी भी वीडियोज में अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फेस कंट्रोलिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही इजी वे में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ किस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक स्पून लिया है, आप देख सकते हैं। आप स्पून या ब्रश कोई सी भी ऐसी स्ट्रेट चीज़ ले सकते हैं जिसकी हेल्प से आप कंटूर शेड को इजीली लगा सकें। ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरे पास नॉट का ब्रश है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, वॉशेबल होता है, इसकी हेल्प से भी आप कंटूरिंग कर सकते हैं। एंड इसके अलावा डिफरेंट ब्रश सेट आते हैं मार्केट से, या कंटूरिंग ब्रश आते हैं जो कि आप इजीली मार्केट से बाय करके यूज़ कर सकते हैं। सो कंटूरिंग के लिए मैं फेजिट कंटूर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जो कि पाउडर फॉर्म पे है। यानी कि आप क्रीम फॉर्म पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मैं दोनों का यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फेस पे आपके जो हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, जिसे कलमे भी कहा जाता है, यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है। एंड इसके अलावा आपकी जो लिप्स है, यहाँ पर आप 3 फिंगर का या 2 फिंगर का गैप रख सकते हैं। यानी कि अगर आपका फेस हैवी है तो 2 फिंगर का गैप रखेंगे, अगर आपका फेस इतना हैवी नहीं है, मीडियम साइज का है बट आपको कंटूर भी करना है, तो 2 फिंगर का गैप रखेंगे। एंड इस तरह से फिर कंटूरिंग शेड लगा लेंगे। आप देख सकते हैं, इस तरह से आप लगाने के बाद ब्लेंडिंग आपको बाद में करनी होती है, पहले आप लगाते जाएं, पूरे फेस पे लगा लें, उसके बाद कंटूरिंग करें। यानी कि आप कोई सी भी कंटूरिंग कर रहे हैं, अगर डीपली कंटूरिंग कर रहे हैं यानी क्रीम फॉर्म पे कंटूर कर रहे हैं, तो पहले क्रीम फॉर्म पे लगाते हैं, उसके बाद पाउडर फॉर्म पे लगाते हैं। अगर आप पाउडर फॉर्म पे डायरेक्टली कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इजिली कर सकते हैं, उसमें आपको क्रीम फॉर्म की नीड नहीं होती। सो इस तरह से थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर एयर के बिल्कुल साइड से आप देख सकते हैं, बिल्कुल लास्ट है जो एयर का खत्म हो रहा है, यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। एंड आपका जो लिप्स है, यानी कि ये लिप्स तक आप लाइन को ड्रॉ करेंगे। सो ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही इजी होता है, और आप फुल फेस पे यानी कि डिफरेंट टाइप के फेस पे इस तरह से कंटूरिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका फेस काफी अच्छा सा लगता है। एंड आपकी जो पिक्चर है कंटूरिंग के बाद बहुत ही जबरदस्ती आती है, यानी कि आपके जो फीचर्स होते हैं वो इन्हांस हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से लगते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने जो शेड लगाया था उसको ऊपर की तरफ ब्लेंड कर दिया है। एंड इसके अलावा जो जॉ पे मैंने शेड लगाया था, यानी कि एक कंटूर शेड, उसको नीचे की तरफ आप ब्लेंड कर लेंगे इस तरह से ब्रश की हेल्प से। एंड इसके अलावा फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। ये जो कंटूरिंग पैलेट है फेजिट की है, जिसका नंबर है 04, इसमें 4 शेड्स आपको मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ऑल टाइप स्किन पे आप यूज़ कर सकते हैं फुल फेस पर। यानी कि आपके स्किन किसी भी टाइप की हो, किसी भी ओवल शेप में हो, स्मॉल हो या फिर स्लिम हो, डिफरेंट फेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है और उस पर इस तरह से मैं कंटूरिंग कर रही हूँ। यानी कि आप नोज़ पे देख सकते हैं, नोज़ पे आपको 1 ड्रॉ करना होता है, यानी कि आप 1 ड्रॉ करें, दोनों साइड पे 1 ड्रॉ करने के बाद नोज़ के बिल्कुल लास्ट पे आपको थोड़ा सा शेड लगाना होता है, ताकि जो आपकी नोज़ है वो बिल्कुल स्लिम सी लगे और अच्छी सी लगे। सो मैं हाफ़ साइड पर फेस कंट्रोल जो कर रही हूँ पाउडर फॉर्म पे कर रही हूँ, हाफ साइड पे मैं जो फेस कंट्रोल करूँगी क्रीम फॉर्म पे करूँगी। एंड आप देख सकते हैं, मैंने जो 1 ड्रॉ किया था उसको फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर दिया है, यानी कि नीचे थोड़ा सा ब्लेंड किया है, थोड़ा सा ऊपर किया है, ताकि जो लाइन है वो इन्हांस ना हो और ब्लेंडिंग भी हो जाए, और बिल्कुल भी आपको इतनी ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी कि वो रिमूव भी हो जाए। एंड उसके बाद फेस कंट्रोल शेड लेके इस तरह से आपको फोरहेड पर भी लगाना होता है, ताकि जो आपका फोरहेड अगर बिग साइज़ का है, अगर आप थोड़ा सा मीडियम दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह से शेड लगा लें और ब्लेंडिंग कर लें, तो पिक्चर आपकी बहुत ही अच्छी आती है। एंड इसके अलावा अगर आप इस तरह का पसंद नहीं करते तो आप फिर ना लगाएं, बट पिक्चर में शो
होने के लिए बहुत ही अच्छा सा फील होता है। वन साइड पे मैंने फेस कंटूर कर लिया है, अब सेकंड साइड पे मैं कंटूरिंग कर रही हूँ जो कि क्रीम स्टिक की फॉर्म से कर रही हूँ। आप देख सकते हैं डर्माकोल की स्टिक है, यानी कि इसमें कंटूरिंग भी है एंड कंसीलिंग स्टिक भी है। ये यानी कि ये 2-in-1 स्टिक है, इसमें कंटूर शेड भी होता है, कंसीलर भी होता है और आप देख सकते हैं क्रीम फॉर्म पे होता है। इस तरह से आप इसको बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है, क्रीम फॉर्म पे होता है बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है। इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, जिस तरह से आपने एक साइड पे लाइन ड्रॉ की थी इसी तरह से आप इसको भी यूज़ करेंगे। सो इस तरह की जो स्टिक होती है बहुत ही इजी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी इजीली अप्लाई हो जाती है क्योंकि स्टिक फॉर्म पे होती है, लिपस्टिक टाइप की इसमें बनी हुई होती है, यानी कि इसका शेप इतना हैवी नहीं होता, आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से पहले फुल फेस पे अप्लाई करने जहाँ जहाँ आपको अप्लाई करना है, उसके बाद फिर आप कंटूरिंग करेंगे। सो इस तरह की क्रीम फॉर्म जो कंटूर जो होती है उसको आप फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत ही इजीली स्मूथ ब्लेंड हो जाती है। एंड इसके अलावा ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, एंड इसके अलावा जो स्मॉल ब्लेंडर होते हैं उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जितना ईजी वे में लगे उसी तरह से करें। अगर आप फिंगर से करते हैं तो बहुत ही ईजी होता है, आपको ब्रश की नीड भी नहीं होती और बहुत ही अच्छी सी ब्लेंडिंग भी हो जाती है। सो ब्रश से इसी तरह से आपको करना है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एम्प्टी ब्रश मैंने लिया है, यानी कि इसमें शेड नहीं है, और ऊपर की तरफ इसको ब्लेंड करेंगे इस तरह से जिस तरह से एक साइड पे किया है, इसी तरह से आप इसमें भी अप्लाई करके इसी तरह से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद मेकअप में ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका मेकअप नेचुरल लगता है, बिल्कुल हैवी नहीं लगता। फेस कंटूरिंग से पहले मैंने फेस पे थोड़ी सी बीबी क्रीम अप्लाई कर ली थी ताकि उसके ऊपर मैं आपको लगा के दिखा सकूं। अगर आप कोई सी भी फाउंडेशन लगाते हैं, बेस लगाते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई सी भी बेस क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद फिर इस तरह से कंटूर करेंगे। सो क्रीम फॉर्म की जो फेस कंटूरिंग आप करते हैं उसके बाद आपको पाउडर फॉर्म की कंटूरिंग भी करना लाजमी होता है, अगर आप नहीं करेंगे तो क्रैक आ जाएगा और जो आपकी कंटूरिंग है वो ख़राब हो जाएगी, आपके फेस काफ़ी ख़राब सा लगेगा, यानी ऐसा लगेगा कि बेस फट चुकी है। सो फेस कंटूरिंग करने के बाद आप ब्लश यूज़ करेंगे, यानी कि ब्लश आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मैं न्यूड यूज़ कर रही हूँ। एंड इसके अलावा 2-in-1, 3-in-1 आप जिस टाइप का ब्लश यूज़ करना चाहते हैं तो आप ब्लशर यूज़ कर सकते हैं, उससे पहले आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज़ कर ले। मैंने बीबी क्रीम लगाई थी इसलिए मैंने कॉम्पैक्ट लाइट सा बिल्कुल लगाया है, बट जहाँ पे आप क्रीम कंटूर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई सा भी कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर लगाना नहीं होता, पहले आप कंटूरिंग करेंगे क्रीम कंटूर, उसके बाद ही आपको ड्राई पाउडर यानी कि फेस कंटूर यूज़ करना होता है जो कि पाउडर फॉर्म पे होता है। ब्लश लगाने का मेथड भी बहुत ईजी होता है, यानी कि जहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ की होती है कंटूरिंग की उसी के ऊपर आप ब्लश को लगाते हैं, लाइन से बिल्कुल नीचे नहीं जाना होता। जो बिगिनर्स होते हैं वो इतना ब्लश लगाते हैं कि जो कंटूरिंग लाइन्स होती है उस पर भी वो ब्लश लगा देते हैं, फिर जो आपकी लाइन है वो बिल्कुल हाइड हो जाती है, क्योंकि जो मेरी स्टूडेंट होती हैं सैलून पे वो इस तरह से लाजमी करती हैं तो उन्हें मैं यही गाइड करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये गाइड कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो अब चलते हैं हाइलाइटर की तरफ, हाइलाइटर जो होता है किस तरह से यूज़ करते हैं आप देख सकते हैं, ये जो बोन होती है यानी कि जो हड्डी होती है इस पर आपको हाइलाइटर को अप्लाई करना होता है। मैं जो हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, पीची शेड में है। बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा मसला होता है कि हाइलाइटर कहाँ यूज़ करें, जो बिगनर्स होते हैं जो क्लास लेते टाइम तो वो ऐसा बिल्कुल इजी लेते हैं कि मेकअप बहुत ही इजी होता है, जब स्टूडेंट की प्रैक्टिकल क्लास होती है तो एप्लीकेशन करते टाइम ब्लश के ऊपर पूरा ही यानी कि जहाँ पे ब्लश लगाया जाता है यानी फुल चिक्स पे वो हाइलाइटर अप्लाई कर देती हैं, तो देखें फुल फेस पे आपको जब अप्लाई करेंगे आप तो आपका फेस काफ़ी हैवी लगेगा और आपका फेस फुल शाइनी लगेगा, यानी कि आपका जो कंटूरिंग फेस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो हाइलाइटर को यूज़ करने के लिए आप देख सकते हैं मैं जहाँ जहाँ पर हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ, यानी कि मैंने जो कंटूरिंग शेड लगाया था उसके ऊपर मैंने ब्लश लगाया, ब्लश के ऊपर फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जो कि हाइलाइटर की यूज़ करनी होती है, एंड नोज़ पे थोड़ा सा अप्लाई करना होता है, नोज़ के सेंटर पे अप्लाई करना होता है, एंड इसके अलावा लिप्स के ऊपर यानी कि आपको अपर लिप्स के ऊपर सेंटर पे अप्लाई करना होता है, चिक्स पे अप्लाई करना होता है, चिन पे अप्लाई करना होता है लिटिल बिट क्वांटिटी, एंड इसके अलावा फोरहेड पे आप आईब्रो के साइड पे अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप अप्लाई करते हैं हाइलाइटर को तो बहुत ही अच्छा सा लगता है और बहुत ही ग्लोई आपका फेस लगता है, नेचुरल लगता है, ओवर फील नहीं होता। यानी कि आप जब कॉम्पैक्ट लगाएंगे या लूज पाउडर लगाएंगे उससे पहले आपको अप्लाई करना होता है ताकि प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और जो आपका बेस है वो लगाते टाइम आप ब्लेंडिंग करने के बाद फिर फिक्स अच्छी तरह से हो जाए। सो इसी तरह से अगर आप लिक्विड हाइलाइटर को यूज़ करेंगे तो लिक्विड हाइलाइटर भी इसी मेथड से यूज़ किया जाता है, बट वो लिक्विड होता है तो आप जब भी बेकिंग करेंगे। सो व्यूअर ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, एंड इसके अलावा बिगनर से मैं यही कहना चाहूँगी जो अभी क्लासेस ले रही हैं, यानी कि आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे, किस तरह से ब्लश लगाएंगे,
बताएंगे किस तरह से हाईलाइटर लगाना है ईजी वे में, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एंड इसके अलावा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, अदरवाइज आप जितना देखते रहें उससे आप बिल्कुल भी सीख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आजकल डमी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं तो आप डमी पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस क्लास आप डमी पे भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अपने सिस्टर वगैरह पे करें या फिर आप फ्री टाइम पे अपने ऊपर ही कर लिया करें ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो। सो व्यूअर, अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो मोटिवेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।